तो दोस्तों ये है सरस्वती नदी, शारदा नदी भी बोलते हैं इसे, और ये टनकपुर उत्तराखंड में है। जब आप पूर्णागिरी जाएंगे तो आपको टनकपुर में ही शारदा माता के दर्शन मिल जाएंगे, यानी शारदा नदी देखने को मिलेगी। और टनकपुर से नेपाल की दूरी भी बहुत ही ज़्यादा कम है और नेपाल पास में ही पड़ता है यहाँ से। आप हमारे पूरे टूर की वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाएँ और देखें। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे। आगे की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेपाल की वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ये देखिए शारदा माता का दर्शन, यहाँ पे लोग बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप लोग को दिखाएंगे पूरा, सब लोग नहा धो ले फिर आपको दिखाते हैं। तो हम लोग नहा चुके हैं और नहाने के बाद ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे, इतनी हवा चल रही भैया यहाँ कि बाल बाल फूल रहे हैं सब लोग। ये देखिए सच्चा प्रिंस आप सब लोग हैं, चल रहे हैं। अब आगे चलेंगे जहाँ भी वहाँ दिखाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ आपको क्योंकि हवा इतनी चल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों हम लोग नहा चुके हैं और बताइए गाइस कैसे लग रहे हैं हम लोग। भाई हीरोइन लग रही है और ये लग रही है बहुत हमारी सोशल, वो मतलब प्यारी सी बिटिया है, छोटी सी क्यूट सी, और सब लोग हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी नहा धो के, तो चलते हैं देखते हैं। सच्चम देखिए रिक्शा चला रहे हैं फर्स्ट टाइम लाइफ में। हम लोग बाइक पे, कैसा लग रहा है ये बताओ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अपने ड्राइवर का बाइक, अपने ड्राइवर के लिए पर्सनल ड्राइवर हायर करके लाए हम लोग, रजनीगढ़ से लेकर आए था। तो अब हम जा रहे हैं कहाँ, नेपाल बॉर्डर। तो आपको दिखाएंगे सबसे बड़ा पुल जो इंडिया और नेपाल के बीच का है, दिखाएंगे उस पार नेपाल, इस पार इंडिया। तो अभी चल रहे हैं दिखाएंगे। और ये नदी बहते हुए दिख रही है, लग रहा कुछ ऐप मावेगी। तो दोस्तों हम लोग आ गए नेपाल बॉर्डर पे, और नेपाल बॉर्डर में सबसे बड़ा ये मतलब जो ब्रिज है ये सबसे बड़ा है जो आप लोग को पीछे दिख रहा है। यहाँ ट्रैक्टर वगैरह बच्चों के मिल रहे हैं, दिखाते हैं हम लोग आपको बैक कैमरा करके, ठीक है। ये सबसे बड़ा पुल है और डैम, मतलब नेपाल और इंडिया के बीच का डैम है। मतलब अगर नेपाल पानी छोड़ देता है तो इंडिया में बाढ़ आ सकती है, मतलब इस एरिया में, इस पार्ट में। तो ये डैम इसीलिए है, डैम दिखाते हैं आपको। तो भाई साहब अभी हम लोग नेपाल के अंदर एंट्री करेंगे ही, लेकिन अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ डैम के पहले, और यहाँ पर ना हमारी सारी महिला मित्र खड़ी हुई हैं। ये सब महिला मित्र हैं हमारी, ये महिला मित्र हैं, ये महिला ये कीचड़ आओ मित्र, महिला कीचड़ है की तो आओ तुम भी आओ पूजा। तो ये सारी हैं, अब इनका इंट्रोडक्शन हम देते हैं। चलो अपना अपना इंट्रोडक्शन दो, नाम बताओ अपना। अंजलि, हम बता दे रहे हैं महिला अंजलि महिला, और सभी महिलाएं बहुत सुंदर लग रही है ना, सुंदर लग रही है तो कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। स्टार्ट किया है, नाम जान गए होंगे हमारा, हाँ इनका नाम जान गए ना, पूजा नाम है इनका, पूजा पूजा ही करना, पूजा करके आई नहीं, बहुत खुश नसीब होगा, बहुत पूजा करता होगा जो इनको पाएगा, पूजा वाला।